हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी नीटिंग क्लासेस। तो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, एक बुनाई डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान सा बुनाई डिज़ाइन है, बिगनर इसको बहुत आसानी से बना लेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं, यानी कि 6 के गुने में, प्लस 5 फंदा आपको इसमें एक्स्ट्रा रखना है डिज़ाइन को सेट करने के लिए। 4 सलाइयों का ये बुनाई डिज़ाइन है, 4 सलाइयों में कम्प्लीट हो जाता है। चारों सलाइयाँ ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक भी रो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को कट करके मत देखिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। और ये जो डिज़ाइन है आपका रॉन्ग साइड से स्टार्ट होता है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पे हूँ फ्रंट साइड पे। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, इस डिज़ाइन को मतलब रॉन्ग साइड से स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्लाइस फ्रंट साइड से यानी कि सीधी तरफ से बनानी होगी, जो मैं आपको बताऊँगी, जो कि बेस रो होगी, और उसी बेस रो के ऊपर वो डिज़ाइन पूरा चलेगा, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये अपने पैटर्न में काउंट नहीं होगी, क्योंकि रॉन्ग साइड से स्टार्ट होंगे जो 4 सलाइयाँ, वही आप बार बार रिपीट करेंगे। फ्रंट साइड वाली सिलाई आपको बनानी ही नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले बेस रो बनाएंगे। पहला फंदा देखिए इस तरह से एज स्टिच है, जो कि हम इस तरह से सीधा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे, और यहाँ पर देखिए हम 3 फंदा उल्टा बनाएंगे। 1, 2, 3, धागा पीछे जाएगा, एक फंदा सीधा, 1, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब आप यहाँ देखिए कि ये एक फंदा इस एज स्टिच का छोड़ के जो 6 फंदे मैंने बनाए हैं, आप बस यही यही तरीके से आप आगे भी रिपीट करते हुए जाएंगे बार बार बेस सिलाई जब भी बनाएंगे। तो देखिए 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे। अब आप बनाएंगे एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक सीधा, एक उल्टा और एक सीधा। धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, जो कि एज स्टिच है। अब आ जाएंगे हम अपनी रॉन्ग साइड से। ये हमारी पैटर्न की फर्स्ट रो है, ठीक है, वेरी फर्स्ट रो। पहला फंदा स्लिप करके धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3। अब लाएंगे धागा अपनी तरफ। अब देखिए जो एक फंदा उल्टा है ना, इसको हम 2 बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाएंगे, ऐसे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, देखो इसको हम उल्टा बनाएंगे, 2 बार धागा लपेटेंगे, 1, 2। एज से छोड़ के जो 6 फंदे हमने बनाए हैं, यही रिपीट करते हुए जाएंगे बार बार। पहला देखो, 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर देखो, 1, 2, धागा अपनी तरफ, और ये 3, धागा पीछे, 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, धागा अपनी तरफ, एज स्टिच उल्टा। तो यहाँ देखिए हमने फर्स्ट रो बना के कंप्लीट कर लिया। अब हम आ गए सेकंड रो पे, जो कि हमारी फ्रंट साइड से पहला फंदा स्लिप करके धागा अपनी तरफ, 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, धागा पीछे। अब देखिए क्या करना है यहाँ पे, ये जो फंदा हमने 2 बार धागा लपेटा हुआ था, इसको खोल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 और ये 2, 2 धागे पीछे ऐसे आएंगे, और ये फंदा ऐसे लेके और ऐसे इसको निकाल लेंगे, ऐसे धागा अपनी तरफ लाएंगे और इसको स्लिप कर लेंगे, बुनेंगे नहीं, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, इसको ऐसे खोल लीजिए, देखिए 1 और ये 2, ये देखिए। अब धागा अपनी तरफ लाएंगे, 3 फंदे उल्टे, 1, 2 एंड 3, धागा पीछे, देखिए यहाँ पे इसको खोल लेंगे, 1 एंड 2, और यहाँ से निडल इंसर्ट करके इसको ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, देखिए 1 एंड 2, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे उल्टे,
थ्री, धागा पीछे एज स्टिच सीधा। तो देखिए ये दो सिलाइयां हमने बना ली। अब हम आ गए अपनी रॉन्ग साइड से। पैटर्न नंबर पैटर्न की थर्ड नंबर रो है ये। पहला फंदा इस तरह से स्लिप करके धागा पीछे, तीन फंदा सीधा, 1 2 3। धागा अपनी तरफ। अब देखिए ये फंदा जो स्लिप किया था ना हमने, ये वाला, इसको हम दो बार धागा लपेटते हुए उल्टा बनाएंगे ऐसे। धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, इसको 1 ऐसे, धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, 1 2 3। अब देखिए धागा अपनी तरफ, फिर से वही रिपीट करेंगे। जो स्लिप वाले फंदे को दो बार धागा लपेटते हुए बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, दो बार धागा लपेटते हुए। अब देखिए यहाँ पे धागा पीछे ले जाके, तीन फंदा सीधा, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा। तो देखिए तीन सिलाइयाँ बना के हमने कंप्लीट किया। इस तरह से हमारा डिज़ाइन दिखाई दे रहा है। और अब हम आ गए फोर्थ रो पे। पहला फंदा देखिए स्लिप करके धागा अपनी तरफ लाएंगे और तीन फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे। अब देखिए क्या करेंगे कि इसको पहले तो खोल लेंगे। पहले हमने इसको निकाला था यहाँ से, इस फंदे से पहले ऐसे दो नीचे से। अब हम इस फंदे के बाद से निकालेंगे इसको, देखो 1 और 2, यहां से नीचे से निकालेंगे ऐसे। ये देखिए इस तरह से धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। तो देखिए पहले हमने इसे यहां से निकाला था, अब हम इधर से निकालेंगे, 1 और ये 2 ऐसे। धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, 1 2 3। धागा पीछे, यहां से देखिए इसे खोल के, 1 और ये 2 ऐसे, दो फंदा, वो सॉरी एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, यहाँ देखिए 1 और 2, यहां से निकाल के ऐसे। धागा अपनी तरफ, तीन फंदा उल्टा, 1 2 3। धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो देखिए इस तरह से ये चार सिलाइयों का डिजाइन बनके कंप्लीट हो जाता है। आप इसी तरह से बनाइएगा। जब आप इसे ज्यादा फंदों पे बनाएंगे तो ये डिजाइन देखिए इस तरह से बन के आएगा। मैंने यहाँ पे बना के भी रखा हुआ है थोड़ा ज्यादा से सब फंदों पे। देखिए इस तरह से डिजाइन बन के आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन बनता है। आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा दूसरा चैनल मेकअप वाला नहीं देखा है तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैं DIY स्किन केयर, हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। मेकअप कैसे करते हैं ये भी सिखाती हूँ। बिगनर्स लोग मेकअप कैसे करते हैं, बहुत कम सामान से इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ। तो एक बार प्यार सपोर्ट दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा उस चैनल को, और इंस्टा पे फॉलो कर लीजिएगा अगर आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। तो इस तरह से देखिए, इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बच्चों के, बड़ों के, जेंट्स स्वेटर, लेडीज स्वेटर, कार्डिगन, स्कार्फ, मफलर, ब्लैंकेट, जैकेट, कैप, कहीं भी डालो। रॉन्ग साइड से इस तरह से दिखाई देता है और फ्रंट साइड से इस तरह से दिखाई देता है। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी लोगों के साथ। चैनल पर पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल बटन प्रेस कर दीजिएगा ऑल पे, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूंगी आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।